हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 8 बजे और यहाँ पे मम्मी राइस कुकर को साफ़ कर रही है, क्योंकि मॉर्निंग में राइस कुकर में ही चावल बनता है और शाम को गैस पे, तो वही मम्मी कर रही है। और यहाँ पे मम्मी ने चावल चढ़ा दिया है, क्योंकि हम लोग शाम में मार जो है उसको अलग कर लेते हैं चावल से, और मार को फेंक के फिर हम लोग जो चावल है उसको खाते हैं। चावल का जो मार है उसको हम लोग फेंक देते हैं, और कभी कभी टाइम कम होने से तो मम्मी राइस कुकर में ही राइस बनाती है, चावल को बना लेती है, लेकिन जब भी टाइम रहता है तभी मम्मी ऐसे ही गैस पे बना लेती है और ऐसे ही चलता है। तो जस्ट चाय पी के हम लोग, मैंने बर्तन धो दिया था और मम्मी वही थोड़ा सा किचन को साफ़ कर रही थी, और अभी डिनर का टाइम हो गया है तो चावल बिठा दिया है मम्मी ने। बस आज का डिनर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो प्याज है उसको मम्मी काट रही थी, क्योंकि पापा लाए हैं चिकन, लेकिन पापा और मम्मी तो चिकन नहीं खाते हैं, इसीलिए मम्मी और पापा दोनों के लिए ही जो एग है उसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे अलग तरह से। ये एग का करी नहीं बनेगा, बस फ्राइड एग और दिन का थोड़ा सा दाल है, वहीं से वो लोग दोनों खा लेंगे, और मेरी मम्मी जो है वो हमारे लिए चिकन बना लेंगी, मैं और मेरी बहन के लिए। तो यहाँ पे चावल को मम्मी बीच बीच में देख रही थी कि चावल हो चुका है कि नहीं, और दूसरा वाला जो स्टोव है उसमें चावल बिठा देंगे, और यहाँ पे जो अंडा है उसको फ्राई कर लेंगे। पहले अंडे को उबाल के रख दिया था, उसको हल्दी नमक डाल के फिर थोड़ा सा मीट मसाला और जो धनिया और जीरा का पाउडर है थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोगों ने ऐसा फ्राई नहीं ट्राई किया तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये फैन में तेल गर्म होने के बाद मम्मी ने यहाँ पे जो ऑनियन काट के रखा था उसको दे दिया था, और उसके बाद जो एग है उसको दे के थोड़ा सा टाइम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, पूरा हल्के आँच में 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद, 5 मिनट मैक्सिमम फ्राई करने के बाद ये हो गया है। तो इसको उठा लेंगे और बस दिन के दाल जो है उसके साथ ही मम्मी एग और दाल फिर थोड़ा सा सब्जी था वही मिला के खा लेंगे। और यहाँ पे मेरे घर के पास से एक भैया आए थे, मतलब कुछ काम के लिए, तो उनके लिए और पापा के लिए मम्मी ने अलग से चाय बनाया है खाने के बीच में ही, क्योंकि ऐसा होता ही है जब भी कोई मेहमान आते हैं तो चाय बनाना ज़रूरी हो जाता है, और यहाँ पे वही चाय बना के दे दिया था मम्मी ने। और यहाँ पे मम्मी जो चिकन है उसको मैरिनेट करने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है, क्योंकि ये जो चिकन है थोड़ा सा अलग तरह से बनेगा, मैंने पहले भी अलग अलग कैसे बनता है चिकन मेरे घर में दिखाया है, एक तो दही के साथ और आज तो मतलब सूखा वाला मसाला के साथ ही बनेगा, बहुत ही टेस्टी होता है ये। और विंटर सीजन में ये जो चिकन मम्मी बनाती है ये खा के बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे नमक मम्मी ने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद ये देखिए ये जो है ये धनिया पाउडर है मम्मी ने दे दिया है, और उसके बाद जीरा पाउडर दे देंगी मम्मी थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी, और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड कर देंगे, जितना ही लाल मिर्च जितना है वो ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको इसके ऊपर में दे देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा मीट मसाला यूज़ किया है, थोड़ा सा ही चाहिए मस्टर्ड ऑयल, इसको सूखा सूखा ही मतलब मैरिनेट करके रखेंगे, इसको ऐसे ही रखना होगा, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना होगा, नहीं तो उसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। और लास्ट में यहाँ पे प्याज, थोड़ा सा प्याज और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसको मम्मी एक साथ मिला देंगी, बस ऐसे ही सूखा सूखा उसको रखना है 1 घंटे तक,
तभी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और ठंडे के दिन में हम लोग चूल्हा में ही खाना बनाते हैं, अभी तो वो जो चूल्हा में खाना बनाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट ही हो जाएगा। और ये देखिए ऑनियन थोड़ा सा, और जो गार्लिक और अदरक के पेस्ट बना के रखी थी मम्मी, उसको भी थोड़ा सा दे दिया। बाकी जो है वो तेल में जाएगा जब भी चिकन बनेगा। तो ये सब मैरिनेट हो गया है, इसको रख देंगे मम्मी। फ्रिज में भी रख सकते हैं लेकिन अलग से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक घंटा होने के बाद मम्मी कढ़ाई दे दिया है, और कढ़ाई में जो मास्टर्ड ऑयल है उसको मम्मी ने दे दिया है। तो जो आलू है उसको काट के फिर मम्मी पहले फ्राई कर लेंगी। जब भी ये सूखा वाला जो चिकन है, मतलब सूखा मसाला ऐसे मिक्स करके मैरिनेट करके जब भी चिकन बनता है हमारे घर में, तो मम्मी पहले जो आलू है उसको फ्राई कर लेती है। लेकिन जब भी गीला जैसे कि हो मैरिनेट कर, कभी दही ऐड हो गया, नहीं तो ज़्यादा गीला मतलब जो भी मसाला है वो सब ऐड होता है अगर, तो फिर मम्मी ऐसे ही आलू एक साथ चिकन के साथ ही दे देते हैं। तो ये जो आलू है ये फ्राई हो गया है, उसको उठा लेंगे। और उठाने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पे जो जीरा है उसको दे दिया है, जीरा साबुत जीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला मम्मी ने दे दिया है, लौंग इलायची, फिर यहाँ पे तेज पत्ता दो दे दिया है, और इसके बाद जो प्याज है उसको भी मम्मी ने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। और बस आप लोग ऐसे बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, और विंटर सीजन में ऐसे ही बनाने से अच्छा लगता है खा के। तो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद तो देखिए ये जो ऑनियन है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फ्राई मतलब थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद ही अदरक और लहसुन का पेस्ट दे देंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा हल्के आँच में फ्राई कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा तेज में फ्राई करने से ये जल जाएगा। तो हल्का हल्का पहले फ्राई करने के बाद यहाँ पे बाकी चीज़ जो है वो ऐड होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और बनाने का अलग अलग तरीका होता है, और बनाने के तरीके से ही जो है सब्ज़ी में स्वाद आता है। तो यही अभी जो चिकन है उसको दे दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर भी आएगा, लेकिन टमाटर का जो रिकॉर्डिंग था वो शायद मैं करना भूल गई हूँ। और ये टमाटर भी ऐड हो चुके हैं, और इन सबको अच्छे से फ्राई करना होगा, बहुत ही अच्छे से फ्राई करना होगा। तो आप लोग मैक्सिमम मतलब मिनिमम 20-30 मिनट्स तक आप लोग फ्राई कीजिए हल्के हल्के आँच में, मतलब मीडियम आँच में फ्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे मम्मी जो है वो फ्राई कर दिया है, सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है ये सब। और टमाटर भी एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के भी मम्मी ने यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो उसका रिकॉर्डिंग में करना मतलब कुछ हो गया, वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया। तो यहाँ पे जो फ्राई किया हुआ आलू है उसको बीच में दे देंगे, लेकिन 10 मिनट फ्राई करने के बाद ही आप लोग आलू जो है उसको ऐड कीजिएगा, मतलब आलू देर से ऐड कीजिएगा क्योंकि पहले आलू फ्राई हो चुका है। और ये जो चिकन है लोकल वाला चिकन है, इसीलिए उसको मतलब ज़्यादा ही फ्राई करना होगा क्योंकि जल्दी सीझता नहीं है। तो इसलिए जितना देर से हो आप लोग आलू ऐड कीजिए, क्योंकि आलू ऑलरेडी फ्राई कर चुका है इसीलिए फ्राई हो चुका है। तो इन सबको अच्छे से भूनना होगा, और पूरा जब तेल अलग हो जाए सब्जी से ऐसे ही भूनना होगा। और आप लोग बहुत अच्छे से भूनिए हल्के हल्के आँच में। ये जो सब्ज़ी है, ये जो चिकन की मतलब करी बनेगा, जितना भून सकते हो उसमें ही उसका स्वाद आता है, क्योंकि जो मसाला है वो सूखा दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी मम्मी ने ऐड नहीं किया है अब तक। और ये देखिए उसका जो कलर है वो उभर के आ गया है,
और यहाँ पे जो गरम पानी है उसको मम्मी ने दे दिया है, क्योंकि मम्मी आधे घंटे तक इसको अच्छे से फ्राई किया है पूरा अच्छे से मीडियम आँच में। और उसके बाद जो गरम पानी है उसको मम्मी ने ऐड कर दिया है, और पहले थोड़ा सा गरम पानी ऐड करके जो चिकन है उसको सीजने के लिए दे दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को ज़रूरी हो तो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए जो मतलब चिकन भी सीज गया है और लास्ट उबाल आ चुका है, तो उसके थोड़ा सा पहले आप लोग जो काली मिर्च है उसको ऐड कर दीजिएगा। ये मम्मी ने काली मिर्च ऐड कर दिया है, और काली मिर्च ऐड करने के 2-3 मिनट आप लोग सीजने के लिए रख दीजिए। और उसके बाद अगर गरम मसाला हुआ, नहीं तो धनिया पाउडर यहाँ पे दे दीजिएगा। ये ऑलमोस्ट मतलब रेडी हो ही गया है, पूरा जो चिकन है वो सीज गया है, आलू ऑलरेडी सीज चुका था, थोड़ा सा और सीज गया है। तो ये देखिए मम्मी अलग से बर्तन में इसको रख लेंगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई है उसको मम्मी धो देंगी, क्योंकि जो चिकन बनता है कभी मटन बनता है तो मम्मी अलग से रख के धो ही देती है कढ़ाई, तो वही है। और यहाँ पे मम्मी जो अलग बर्तन है उसमें निकाल के जो कढ़ाई है उसको धो देंगी। इसमें बस धनिया पाउडर, धनिया जो पत्ता है उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि विंटर सीजन में तो धनिया निकलता ही है, और हमेशा गरम मसाला देने से भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए धनिया पाउडर ऊपर में गार्निशिंग के लिए दे दिया है। और ये जो करी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और बन चुका ही है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।